ऐसा क्या है ताज ढाबे का, जरा मेरे को बोला आप लोग, इतना क्राउड क्यों है ताज ढाबे में? ऐसी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप लोगों को पता है। मटन घी रोस्ट, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पूरी वीडियो का अंत तक जरूर देखें, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें फटाफट से जो है सब्सक्राइब करो। और पहली बात, आप लोगों को सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, इंस्टा फैमिली हो, फेसबुक फैमिली हो, सभी को दिल से शुक्रिया गाइस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे इंस्टाग्राम पे 5K कम्प्लीट हो चुके हैं, यूट्यूब पे 2K और आज ही हो चुके हैं, दोनों एक साथ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। तो आज का प्लान तो कुछ भी नहीं था, जस्ट मेरे को कुछ दोस्त कॉल करे कहीं जाना है बोलिए, तो चलो गाइस चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन है साथ में, सब देखते हैं। पूरी वीडियो में बने रहो, क्या क्या होने वाला है देखो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस मेरे साथ जो है हमारे एजाज भाई हैं, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं भाई, भी नहीं बोल रहे, खाली चाहिए अभी तो कह रहे हैं, तो देखिए गाड़ी आता क्या सिर्फ जाना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, कहाँ जा रहे हैं क्या क्या हो रहा है पूरा वीडियो भी देखो गाइस। तो गाइस फाइनली ताज ढाबा, अब जो है दोस्तों की ख्वाहिश है कि ताज ढाबा बोल के, तो वो हिसाब से ताज ढाबा ऐसा है, क्या क्या है पूरे वीडियो में बने रहा, आप लोग देखेंगे क्या क्या होता है गाइस। तो हम लोग तो आ चुके हैं, आके जो है टेबल पे बैठे हैं, हमारे साथ हमारे अमान सेठ है, एज यूजुअल अमान सेठ के साथ में है। और अमान सेठ है क्या है मालूम, उनको कहीं भी गया तो पब्लिक बहुत ज़्यादा पहचानती थी, तो अब यहाँ कितने लोग पहचान नहीं मिले अभी तक। अच्छा अभी तक नहीं मिले, आगे मिलते हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहो। आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, अब वो ताज का मालूम है ना, हमेशा कभी भी धंधे क्राउड फुल हाई है हर जगह। यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे भी इतनी सारी पब्लिक है, इतना क्राउड क्यों है? ऐसा क्या है ताज ढाबे का, जरा मेरे को बोला आप लोग, इतना क्राउड क्यों है ताज ढाबे में? ये है मसाला पापड़, काफी टाइम के बाद आ चुका है चिकन मलाई टिक्का, लो भाई डाल लो। ऐसी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप लोगों को पता है। अब ये चटनी कोई नहीं पूछेगा भाई, कैसा है मान सर? अच्छा टेस्ट, अच्छा है। आज का मलाई टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद आता मेरे को भी शुरू से, और अच्छा भी है। मटन घी रोस्ट, बोलो अबू से क्या बोल रहे, फुल गरम है, अच्छा है। ये बटर नान लो बे, बटर नान में उसको पनीर की अभी बड़ा झटका दिया था ना, क्या की चारों मारो आप लोगों को तो मालूम है ना ढाबे में स्पेशल दाल खिचड़ी, कभी ले लियो जी पूरी है।
ऐसे दोस्ता रहे तो ऐसे होता है एक चम्मच यहाँ एक चम्मच यहाँ जाना। आप लोगों में समझ रहे होंगे इतनी लेट सर्विस कहीं को आ रही है। दाल खिचड़ी के साथ पापड़ आता मालूम है ना आप लोगों को? कहाँ से आता? ये ढाबे वाले देते हैं भाई इसलिए चुपटो कहीं को आवाज कर रहे हैं। मेरे साथ पंगा नहीं लेने का गाइस। ढाबों की दाल खिचड़ी मेरी तो फेवरेट है वो, दूसरों का नहीं बोलता मैं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है। Hi guys. Hi. देख रहे ना आप लोग पब्लिक जो है बढ़ते जा रही, जैसा लेट हो रहा और पब्लिक बढ़ रही। आखिर इतनी पब्लिक क्यों है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ, मेरे को भी नहीं मालूम, बट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है वो क्राउड। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो चुका है गाइस। ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो अब आप लोगों को मालूम है ताज ढाबा बोले तो गुलबर्ग के टॉप ढाबों में एक ढाबा है। मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ें मंगाए थे सभी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट मेरे को तो पसंद आया हर चीज़ का। अब इसके अगर प्राइसेस की हम बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्राइसेस डाला हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। और गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।